वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन ICPN के रूल्स का स्टडी करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में अपन ने प्लांट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत लेटिन डायग्नोसिस और ICPN की हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया है। आज जो ICPN के जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहले जो ICPN का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो उसकी प्रस्तावना है प्रीएम्बल के अंदर जो बातें इम्पोर्टेंट हैं और उसमें ये बताया गया है कि प्रिंसिपल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी पादप नामकरण के लिए जो सिस्टम का आधार है वो उनके सिद्धांत हैं। जो छह जो मुख्य जो सिद्धांत हैं उसका अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें जो प्रोविजंस की बात कही गई है और प्रोविजंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आर्टिकल्स के रूप में और रिकमेंडेशंस के रूप में। आर्टिकल्स जो हैं जो उनके रूल्स के रूप में हैं और रूल्स और रिकमेंडेशंस जिसे अपन नियम या अनुशंसा कहते हैं। और ये जो रूल्स हैं देर आर 62 रूल्स, मेन जो रूल्स हैं वो 62 हैं जो सेट आउट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, जिसे आर्टिकल्स के रूप में उसको सेट किया गया है। इसके अलावा जो रिकमेंडेशंस हैं अनुशंसा हैं कि सिस्टम को फ्यूचर के अंदर उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उनके जो सब्सिडरी पॉइंट्स हैं क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी के लिए वहाँ पे रिकमेंडेशंस की बात कही गई है। इसके अलावा प्रोविजंस जो हैं कई कई इसमें प्रोविजंस हैं, उपबंध हैं रेगुलेटिंग द गवर्नेंस ऑफ दिस कोड। इस कोड की गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए इसमें अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कुछ उदाहरण लेके हुए अपन आगे डिस्कस करेंगे। और तो ये प्रीएम्बल के अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं। अब अपन सबसे पहले जो प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं, प्रिंसिपल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण का जो सिस्टम है उसका जो बेस है वो उसके प्रिंसिपल्स हैं। और दे आर सिक्स मेन प्रिंसिपल्स। ICPN इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिक्स प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। पादप नामकरण प्राणी नामकरण से बिल्कुल भिन्न है, स्वतंत्र है। यानी कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है पादपों का वनस्पतिक नाम है, उनकी प्रक्रिया जूलॉजिकल नॉम से डिफरेंट रहेगी। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो ये है कि द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, कोई भी वर्गीकरण समूह का जब नामकरण करते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए नोमेनक्लेचर टाइप है वो उसका डिटर्मिनेशन है। यानी नामकरण प्ररूप के रूप में उसका एप्लीकेशन किया जाएगा किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। कोई भी पादप का जो नामकरण है वो किस पे आधारित होगा, जैसा कि किसी पादप का वानस्पतिक नाम यदि एक से अधिक ऑथर ने सजेस्ट किया है तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये उसके पब्लिकेशन डेट ऑफ पब्लिकेशन है उस पे डिपेंड करेगा कि जो पब्लिकेशन विच इज अर्लियर विल बी गिवन प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी आगे अपन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है उसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। इसके बाद में इच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजीशन एंड रैंक, प्रत्येक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है वो किसी भी रैंक पोजीशन या परिस्थिति में उसका केवल एक ही नाम होगा। ओनली वन करेक्ट नेम कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। किसी भी बॉटनिकल नेम किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नाम हमेशा एक ही करेक्ट नेम होगा। अर्लियर दैट इज इन अकॉर्डेंस विद रूल, जो नियम के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले सजेस्ट किया है वो उसका नाम होगा। साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड इन लैटिन। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप के साइंटिफिक नाम है वो ट्रीटेड एज लैटिन, यानी उसका लैटिन डायग्नोसिस है वो कंपल्सरी है। और द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स आर रिट्रोएक्टिव, यानी कि जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है वो रिट्रोएक्टिव है, वो बिना चेंज है। एक बार उसका नोमेनक्लेचर हो जाए तो वो
रिट्रोग्रेटिव फॉर्म में माने जाते हैं। तो ये आपके छह मेन प्रिंसिपल ऑफ आईसीपीएन है, उसके बारे में स्टडी करना है। इसके बाद में जो रूल्स है मेन जो 62 रूल्स है, उसमें जो मेन रूल्स अपन स्टडी करेंगे, एक तो रूल्स ऑफ यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है, और एक रूल्स ऑफ रिजेक्शन है, जो रिजेक्ट कोई भी नाम रिजेक्ट करना है उसका क्या नियम है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे। और एक जो कंजर्व नेम है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके नाम है वो कंजर्व किए गए ऑलरेडी, और वहां पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है वो लागू नहीं होता है, जो नाम कंजर्व है उनके प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लागू नहीं होता है। अब अपन जो नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करते हैं कि जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, और यहाँ पे टैक्सा जो शब्द है, जब अपन हायरार्की क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं तो वर्गों के नाम यहाँ पे देखिए टैक्सोन है वो सिंगुलर है और टैक्सा है वो प्लूरल है, यानी कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है बिलोंगिंग टू एनी रैंक, किसी भी रैंक का कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसको अपन टैक्सोन कहेंगे और प्लूरल में टैक्सा कहेंगे। तो यहाँ पे जब अपन किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो वैसे तो यहाँ पे काफी ग्रुप हैं, लेकिन देयर आर सेवन प्रिंसिपल ऑब्लिगेटरी रैंक्स हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में, सेवन प्रिंसिपल ऑब्लिगेटरी रैंक यानी कि जो मुख्य जो अविकल्पी रैंक जो है, जो मेन रैंक के सेवन, उसका अपन स्टडी करेंगे और उसमें उसका एंड क्या है, उसका एंडिंग क्या होता है, सफिक्स क्या लगता है, वो भी आपको देखना है। साथ ही एक ऐसी फैमिली है उनके नाम याद रखने हैं, जिनके ओल्ड नाम जो है, जिनके ओल्ड नेम जो है, जो कि नॉट अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्योंकि जब अपन उसमें देखेंगे कि 8 ऐसी फैमिली है, एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं, और जहाँ पे उनका एंडिंग वो एसी से नहीं होता है, और तो भी उनके नाम जो है वो प्रचलित है, चलन में है, क्योंकि उनका कारण क्या है कि उनका जो ट्रेडिशनल यूज काफी ज्यादा है उन प्लांट का, इसलिए उनको ट्रेडिशनल यूज के आधार पर उनको अभी भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो एट फैमिलीज है उनके ओल्ड ट्रेडिशनल नाम क्या है और उनका ICBN रूल्स के अकॉर्डिंग नाम क्या है, एग्जाम्पल के साथ ये भी अपन को याद रखना है। और एक जो आर्टिकल 18 जो है, इस आर्टिकल 18 के अंदर ये बताया गया है कि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, फैमिली लेग्यूमिनेसी है, उसको कंजर्व रखा गया है फैबेसी के अगेंस्ट में। लेग्यूमिनेसी का नया नाम है वो फैबेसी है, लेकिन लेग्यूमिनेसी भी अपने आप में कंजर्व है, क्योंकि अपन जानते हैं कि लेग्यूमिनेसी जो है इसके तीन उपकुल हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के तीन उपकुल हैं, पैपिलियोनेसी, पैपिलियोनोइडी, इसको पैपिलियोनोइडी और सीजर पिनोइडी और माइनोसोइडी। पैपिलियोनोइडी, सीजर पिनोइडी और माइनोसोइडी ये तीन उपकुल हैं, और उन तीनों को मिलाकर फैमिली लेग्यूमिनेसी नाम है, जो कि कंजर्व नाम है। और इसके अगेंस्ट में ओवरऑल इस फैमिली के स्थान पर भी फैबेसी नाम है वो उसके चलन में। इसके अलावा एक जो फॉसिल टैक्सा जो होते हैं, फॉसिल टैक्सा के नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा नियम अलग है, जो भी जीवाश्म वंश है, यहाँ पे ICBN के जो रूल्स है वो सभी प्रकार के पादप एंटायर प्लांट किंगडम के अंतर्गत लागू हो रहा है, फंजाई एल्गी वगैरह, लेकिन पहले मैंने बता दिया कि आपको वायरस बैक्टीरिया और कल्टीवेटेड प्लांट का अलग है, जो भी वाइल्ड प्लांट है एल्गी फंजाई से लगाकर लाइकेन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में लागू होता है, परंतु जो फॉसिल टैक्सा है जीवाश्म है वहाँ पे नोमेनक्लेचर का सिस्टम अलग है, और फॉसिल टैक्सा होते हैं उसको अपन मॉर्फोटैक्सा कहते हैं, उसको मॉर्फोटैक्सा कहते हैं, और वहाँ पे
प्रत्येक जो ईच प्लांट पार्ट है उसका नोमेनक्लेचर अलग होता है। फॉसिल टैक्सा मे बी ट्रीटेड एज मॉर्फो टैक्सा, अ मॉर्फो टैक्सॉन इज डिफाइंड एज ए फॉसिल टैक्सॉन। कोई भी मॉर्फो टैक्सा है उसको फॉसिल टैक्सॉन कहेंगे। विच फॉर नोमेनक्लेचर पर्पजेज कंप्राइजेज ओनली द पार्ट्स, जिसमें पादप के कोई भी एक भाग है, जीवाश्म में पूरा पादप नहीं प्राप्त होता है, उसके कुछ भाग अलग अलग समय में प्राप्त होते हैं, जड़ तना पत्ती, और उनका नामकरण अलग होता है, तो उनके पार्ट्स का नामकरण और उनकी लाइफ हिस्ट्री की स्टेजेज हैं या जो भी प्रिजर्वेशनल जो स्टेजेज हैं उनका नोमेनक्लेचर है वो किया जाता है। तो ये मॉर्फो टैक्सा के अंतर्गत किया जाता है, उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नाम है। अब अपन ये जो सेवन कैटेगरी जो है इसकी बात करेंगे। सेवन प्रिंसिपल जो रैंक है वो कौन कौन सी है, इसमें सबसे पहला जो है वो किंगडम जो है, किंगडम जो है इसमें उसका जो एंड जो है ये रैंक है और ये इसका एंड है, और यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो किंगडम है तो उसका एंड क्या होगा, बायोन का, बायोन का, जैसे कि क्लोरोबायोंटा, अगर बायोंटा एंड है तो वो किंगडम होगा, परंतु अगर वो फंजाई के केस में बायोंटा नहीं होगा वो माइकोटा होगा, माइकोटा जैसे यू माइकोटा, ये फंजाई के केस में, फंजाई लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसका अलग होता है फंजाई के केस में। इसके बाद में फिर अगर अपन डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन के अंदर फाइटा जो है वो एंडिंग होता है, फाइटा जैसे टेरोफाइटा या मैग्नोलियोफाइटा, अगर अपन लें मैग्नोलियोफाइटा तो मैग्नोलियोफाइटा जो है इसमें फाइटा है तो वो डिवीजन का रैंक है, और इसी प्रकार से अगर वो फंजाई है तो फंजाई के केस में माइकोटीना आएगा, माइकोटीना जैसे यू माइकोटीना, तो ये डिवीजन के केस में आता है। इसके बाद में फिर अपन क्लास की बात करते हैं, तो क्लास में ऑप्सीडी या ऑप्सीडा जैसे टेरोप्सीडा, अगर क्लास है तो टेरोप्सीडा है तो यहाँ पे ऑप्सीडा आएगा। इसके अलावा फंजाई एल्गी के केस में अलग है, और एल्गी के केस में क्लास के अंतर्गत फाइसी आती है जैसे क्लोरोफाइसी, वो फाइसी है और यहाँ पे एल्गी के केस में, और माइसिटी जो है, माइसिटी जो है वो फंजाई के केस में है जैसे माइसिटीज है वो फंजाई के केस में जैसे माइसिटी। तो ये आपके क्लास जो है, इसके बाद में सब क्लास जो है या सब क्लास प्रिंसिपल रैंक में की किंगडम डिवीजन क्लास, इसके बाद अपन ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर का एंड क्या है, एलीज, जैसे कि रोजेलीज, तो उसमें एलीज जो भी आ रहा है यूफोर्बियली एलीज। ऑर्डर के बाद में फिर आएगा फैमिली, और फैमिली का एंड होगा एसी, ए सी एसी जैसे रोजेसी, तो ये आईसी के अंदर से कोई भी फैमिली का जो एंड है वो एसी से होगा, ए सी ए, तो ये वो फैमिली पाई जाए। इसके बाद में फैमिली के बाद में आता है जीनस, सॉरी स्पीसी, जीनस आता है, जीनस और सबसे लास्ट में स्पीसी। जीनस और जो स्पीसी होती है यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, इसमें अस अम अस है अम है, ये आपके कौन है कोई भी लग सकता है, जैसे कि पाइरस है तो अस लग गया, जैसे एलियम है अम लग गया, तो इस प्रकार से रोजा है तो ए लग गया, पॉलीपोगन है तो ऑन लग गया, तो इस प्रकार से स्पीसीज के अंतर्गत भी जो एंडिंग क्या है वो निश्चित नहीं है, और उसमें कोई भी स्पीसी जो अपन जैसे एलियम है और उसकी सीपा स्पीसी ये प्यार है,
तो ये जो एक दो तीन चार पांच छह सात किंगडम डिवीजन प्रभाव क्लास यानी वर्ग ऑर्डर यानी गण फैमिली यानी कुल जीनस यानी वंश और स्पीसीज यानी प्रजाति ये प्रिंसिपल रैंक मानी जाती है और उनका जो एंडिंग क्या है ये आपको याद रखना है। अब जो इसके अलावा जो दूसरी जो रैंक है हालांकि बहुत सारी रैंक है जिसमें किंगडम के अलावा जो डिवीजन की अपन ने बात की अगर सब डिवीजन है तो फाइटा की जगह फाइटिना लगेगा सब डिवीजन में फाइटिना जैसे टेरो फाइटिना है और सब क्लास अगर है तो ऑप्सिडी लगती है जैसे कि टेरोप्सिडी है और एल्गी के केस में फाइसिडी और फंजाई केस में माइसिटीडी इसी प्रकार से सब ऑर्डर है तो उसमें इन्हीं लगता है। ये एक एंडिंग होता है आई एन ई ए ई ये सब ऑर्डर है तो इन्हीं लगेगा जैसे कि रोजिनी ये रोजिनी लिखा हुआ है और उसमें आई एन ए ई ए ई तो ये सब ऑर्डर है। इसी प्रकार से सब फैमिली भी होता है सब फैमिली में ओईडी आता है ओईडी जैसे कि फिकोइडी है माइमोसोइडी है ये जो भी है वो सब फैमिली है रोजोइडी है और एक सब फैमिली के नीचे ट्राइब होता है जिसमें केवल ई आता है सब फैमिली के नीचे का रहेंगे ट्राइब ई ए ई जैसे रोजी ये क्या है ट्राइब और सब ट्राइब के नीचे सब ट्राइब है आई एन ए ये भी इन्हीं है लेकिन जैसे कि रोजिनी यहाँ पे स्पेलिंग फर्क है जो यहाँ पे सब वाटर जो है जिसका इन्हीं आई एन ई ए है और सब ट्राइब का इन्हीं क्या है आई एन ई तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ओवरऑल अगर रैंक की बात करें सबसे पहले किंगडम के नीचे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है डिवीजन के नीचे सब डिवीजन इसके नीचे क्लास फिर सब क्लास सब ऑर्डर फैमिली के नीचे ट्राइब है ट्राइब के नीचे सब ट्राइब इसके बाद फिर आता है जीनस के नीचे सब जीनस के नीचे सेक्शन होता है सेक्शन के नीचे सब सेक्शन और उसके नीचे आएगा सीरीज और फिर आता है स्पीसीज इसके नीचे सब स्पीसीज रैंक होता है और सब स्पीसीज के नीचे वराइटी जिसको अपन कहते हैं उसको लेटिन में वराइटा कहते हैं वराइटाइज और फिर फॉर्मा। अब ये देखिए ये स्पीसीज के नीचे जो है एक स्पीसीज के नीचे सब स्पीसीज को ऐसे लिखोगे सब स्पीसीज इसके बाद में वराइटाइज और फॉर्मा ये जो तीन नाम है इनको कहते हैं इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी कहलाती है और इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी जिन प्लांट के नोमेनक्लेचर में लागू होती है उस केस में पादप का वानस्पतिक नाम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में होता है। अब अपन ये आठ फैमिलीज के नाम जो है वो देखेंगे और उसका एंडिंग क्या है और जिसमें आपको उदाहरण लेना है तो ये ट्रेडिशनल नाम है यहाँ फैमिली का ट्रेडिशनल नेम ऑफ फैमिली इसके बाद उसका ट्रेडिशनल नाम और उसका न्यू जो नेम है अकॉर्डिंग टू आईसीडीएन और उसका टाइप जीनस ये कल अपन टाइपिफिकेशन की बात करेंगे क्योंकि आईसीबीएन के प्रिंसिपल में अपन ने देखा कि बॉटनिकल नेम है वो नोमेनक्लेचर टाइप पे डिपेंड करता है यानी कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का जब अपन नामकरण कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एक टाइप के आधार पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे फैमिली के नामकरण में जो टाइप है फैमिली के नामकरण में टाइप उसका वंश होगा तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जैसे कि क्रूसीफेरी अपन जो फैमिली का नाम है क्रूसीफेरी ओल्ड ट्रेडिशनल नेम है और इसमें क्रूसीफॉर्म कोरोला पाए जाते हैं और उसका नया नाम क्या है ब्रेसी केसी और टाइप जीनस जो है वो ब्रेसिका जो सरसों कुल वंश होता है वो इसके बाद में क्रूसीफेरी फिर है गट्टीफेरी जिसका
उसका नया नाम है क्रूसियसी, क्रूसियसी, और उसका टाइप जीनस क्रूसिया, क्रूसिया। इसके बाद में थर्ड जो है वो कंपोजिटी है, कंपोजिटी, जिसका नया नाम क्या है, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी, और टाइप जीनस है वो एस्टर है। देन पामी, जिसमें सारी पाम आती है, इसका नया नाम है एरेकेसी, एरेका। अंबेली फेरी, अंबेली फेरी, इसका नया नाम एपियसी है, एपियसी, टाइप जीनस हो गया एपियम। देन ग्रेमिनी, ग्रेमिनी, उसको अपन कहते हैं पोएसी, पोएसी, इसका टाइप जीनस पोआ। और इसके बाद में लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनेसी का नया नाम फेवेसी, फेवेसी, और उसका टाइप जीनस है वो हबर। तो ये अलग अलग जो नाम है टैक्सोनॉमिक जो नेम फैमिलीज के हैं, और आठवां जो है वो लेबिएटी है, लेबिएटी कुंसिकुल, और उसका नया नाम लेमियसी, लेमियसी, और टाइप जीनस है वो लेमियम। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ट्रेडिशनल फैमिलीज के नाम है उनके आईसीबीएन के अकॉर्डिंग जो है वो नाम लिखने होते हैं, और उसका टाइप जीनस क्या है, ये आपको आठ और ट्रेडिशनल फैमिलीज के नाम और उसको याद करना।